खरगोन जिले के जुलवानिया रोड स्थित सुतमिल कंपनी पिछले 15 दिन से बंद है, जिससे परेशान मजदूरों ने मोर्चा खोला और धरना दे दिया। बताया जा रहा है पूर्व में मजदूरों को बिना सूचना दिए मिल को बंद कर दिया गया और इस बार फिर मिल प्रबंधन ने बिना नोटिस कंपनी को बंद कर दिया। इस दशा में मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन करके आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान गुरुवार को डिप्टी कमिश्नर श्रमिकों के बीच पहुंचे और उचित कार्यवाही करके मजदूरों से आपसी सामंजस्य रखकर धैर्य बरतने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या है, इन्होंने कितने घोटाले करे हैं, क्या करे हैं, है ना। आज तक हमारे लेबर को मतलब किसी भी प्रकार से जो सुविधा मिलना चाहिए, आज तक कुछ नहीं मिला है। मिल चलने पे आज तक विकास में नहीं गई मिल। और एक बात ये बताओ मैन कि इसमें इस कंपनी में मैं 35 साल से कार्यरत हूँ, पर अभी तक कभी वो घाटे में नहीं गई, पर आज तक हमको कभी मुनाफे का कुछ भी हिस्सा आज तक भी नहीं दिया है। वैसे मांग कुछ नहीं है, पर इन्होंने बिना नोटिस के, बिना सूचना के, मतलब ऐसा और कुछ भी उसमें लिखा नहीं और बंद कर दी मिल। हम लोग तो काम पे आए थे, यहाँ से इन्होंने वापस भेजा हमको कि भैया जिसके डिपार्टमेंट में काम हो गया है, माल खत्म हो गया, उसको वापस जाओ घर बिना वेतन। कोई सूचना उसमें लिखा नहीं है कि क्या देना है, कि क्या लेना है, कि कुछ नहीं। और उसके बाद हमने फिर उनसे बात तो करते ही नहीं वो लोग हमारे से, क्योंकि आज तक कोई नहीं आया हमारे पास बात पूछने के लिए कि भाई तुम्हारे को क्या चाहिए। और अभी जो इन्होंने मतलब हमने फिर इनको दिया है नोटिस, आवेदन दिए हैं, कलेक्टर साहब को दिया है, उसके बाद में यहाँ इनको दिया, डीआर साहब को दिया है, एसपी साहब को दिया है, उसके बाद हमने सहकारिता मंत्री उनको भी दिया है, भारत शासन और उन्होंने बोला है कि भाई देखो हमें ना तुम्हारे सबको इकट्ठा करके बैठेंगे और तुम्हारे 5-7 आदमी और मेल प्रबंधन के आदमी भी लेंगे और उसके बाद जो भी हाल होगा मतलब सकारात्मक निकालेंगे। ओंकार लाल चौधरी। और ये हम 7 तारीख से हड़ताल पे नहीं है, धरने पे हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हम धरने पे हैं और 7 तारीख से मिल प्रबंधक ने कंपनी को बंद करके ना बगैर नोटिस से हम बाहर हो गए तो ताला लगा दिया था। 7 तारीख से आज तारीख तक हम बैठे हैं, 21 तारीख हो गई। अभी जो हमने 7 तारीख को प्रशासन को, डिप्टी कमिश्नर साहब को आवेदन दिए थे, आज हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, मिल प्रबंधक से बात करी है, हमारे से बात करी। अब आगे क्या होता है, कल MD को बुलाया है और लेबर से भी 4-5-8-10 लोगों को बुलाया है, बैठ के जो भी रास्ता निकलेगा और जो भी सहमति होगी उस पर हम हमारी बात रखेंगे। हमारी सहमति और हमारी मान्य मांगी जो मान्य होगी, तो अगर कभी सहमति होती है तो हम मुख्य मांग यही है कि पिछले भी 3 महीने पहले मैं कंपनी को बंद कर दिया था, अभी 1 तारीख से बंद कर दी, आगे भी कभी ये नौबत आती है तो लेबर के बीच में क्या बात रखेंगे। वो हमारी जो बात है हम वही रखेंगे कि भाई सबसे पहले श्रमिकों को अवगत करा दिया जाए कि हम बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी बोनस नहीं दिया, 17 सितंबर का वेतन नहीं दिया, 1 दिन का 17 सितंबर का। और सितंबर में बहुत सारे 70-80 कर्मचारी जो काम करते थे अपने श्रमिक, उनको नहीं वेतन सितंबर का दिया। तो ये बातें हम रखेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ। क्या नाम है आपका? अमीचंद साधो। देखिए इनका जो मैनेजमेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको मैंने, वो शुगर मिल में है, तत्काल बुलाया है, वो 4-5 बजे मेरे ऑफिस में आएंगे। तो क्या क्या टेक्निकल राहत मिल सकती है उस पर हम लोग बात करने के बाद कल इन लोगों के साथ 12 बजे फिर बात करेंगे। एक अच्छी बात ये हुई है, मैं अवकाश पर था मगर टेलीफोनिक कोऑर्डिनेशन करने के बाद इनके नवंबर का वेतन जो राशि करीब 35 लाख रुपये है, वो 400 लोगों का है, वो हमारे संज्ञान से डाला गया है। तो चूंकि जब ये सकारात्मक परिचय ये मैनेजमेंट दे रहा है तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो आज 5 बजे इनके बड़े अफसरों से बात करूंगा तो कुछ ना कुछ हल इनका निकलेगा। प्रमुख मांग क्या है सर इनकी? अचानक इनको काम से अलग कर दिया गया है, चालू करने का प्रयास करा रहे हैं। हाँ, चालू करने के प्रयास कराए जा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने जो बात की है कि एक साथ इतने लोगों को ना बुला के एक ऐसी बीच की प्रक्रिया में कि एक एक डिपार्टमेंट चालू हुआ तो 25, 50, 60, 70 इस तरह लोगों को काम पे वापस लिया जाएगा, ये सब एक संभावना है। भारत मैं अंबरीश वैद्य हूँ और डिप्टी कमिश्नर हूँ सहकारिता विभाग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।